मतलब हो गया कि जितने भी गुरु तत्व हैं, गुरु माने जो वजनदार चीजें हैं, वो हमारी शरीर शरीर की कब बनाता है, ठीक है। तो इसी से हमारे शरीर का वजन होता है। तो ये हमारे पांच महाभूत हो गए और पांचों महाभूत तीनों दोषों को बनाने में काम करते हैं और यही हमारे शरीर को धारण कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का बात पे तक, उसके बाद में हम लोग क्या रह गए थे जो आप बता रहे थे, और कुछ समझना इंद्रिय, ठीक है। तो इसी इंद्रिय की बात हो चुकी है, ये हमारी त्वक, त्वक माने त्वचा की, त्वचा से ही हम लोग वायु सेंसेस में लेते हैं। ये स्रोत, स्रोत इंद्रिय, ठीक है, स्रोत हमारी कर्ण इंद्रिय है ना, उसको बोलते हैं आप लोग कर्ण बोलते हैं या कान बोलते हैं। अग्नि को किससे करेंगे, चक्षु से, चक्षु इंद्रिय, ठीक है। जल को जीवा इंद्रिय, ठीक है, रसन, रसन इंद्रिय बोलते हैं, रसन इंद्रिय, ठीक है, रसन वाली जीवा, आईज, हाँ चक्षु आईज। और पृथ्वी को घ्राण इंद्रिय, घ्राण का मतलब नासिका, नासिका से हम लोग पृथ्वी का परसेप्शन करते हैं कि ये हमारे पांच महाभूत इन्हीं से ही पता लगते हैं, इसलिए हमारे ज्ञान इंद्रियां पांच होती हैं। पांच महाभूत हैं, पांचों महाभूत को सेंसेशन के लिए पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां दी गई हैं, उन्हीं से हमें पता लगता है कि ये पांच महाभूत हमारे हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे जितने भी आहार द्रव्य हो या फिर हमारे जो औषध तत्व हो, औषध का मतलब मेडिसिन, वो भी सब हमारे किससे बने हुए हैं, पंचमहाभूत से बने। अब देखिए